हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेमेडी शेयर करने वाली। आप सभी लोगों को पता है कि कोरियन लोग जो होते हैं उनकी ज़्यादा कितनी ज़्यादा स्किन जो है वो चमकती है, ग्लोइंग होती है। तो आज की ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल इन्ग्रीडियंट लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट कहते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले यहाँ पे जो है एक एम्प्टी बाउल को हम ले लेंगे। उसके बाद जो है 2 से 3 चम्मच जो है राइस फ्लावर को यहाँ पे मैंने ले लिया है। राइस फ्लावर जो है स्किन की लाइटनिंग, स्किन की ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सालों पुरानी टैनिंग को खत्म कर आपको ग्लोइंग फ्लॉलेस एंड ब्यूटीफुल स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। राइस फ्लावर जो है वो इजीली डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, टैनिंग को खत्म करता है और आपको रेडियंट एंड ग्लोइंग स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद हाफ टमाटर जो मैंने यहाँ पे ले लिया है, अच्छी तरीके से जो है स्क्वीज़ करके जितना भी सारा इसका रस है वो निकाल लेना है, बींजों के साथ लेना है। जो टमाटो होता है वो एक्सफोलिएट आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्ने को ख़त्म करता है, स्किन को टाइटन रखता है, और जो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये टैनिंग को कम्प्लीटली ख़त्म करता है। अगर आपकी स्किन सनबर्न से डैमेज हो गई है तो उसको भी जो है ये धीरे धीरे आपकी टैनिंग को ख़त्म करता है। ये आपको जो है यूथफुल ग्लोइंग स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टोमेटो जो है सन से प्रोटेक्शन रखता है एंड साइंस ऑफ एजिंग को ख़त्म करता है। तो टोमेटो के हमारी स्किन पे बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पे हाफ टोमेटो मैंने ले लिया है, एंड देन उसके बाद जो है हम इस्तेमाल करेंगे हाफ लेमन। गाइस, लेमन के हमारी स्किन पे बहुत सारे फायदे हैं। लेमन में होता है भर भर के विटामिन सी जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लेमन जो है स्किन की लाइटनिंग के लिए, स्किन की ब्राइटनिंग के लिए, और वो हमको ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो है हाफ लेमन को मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी चीज़ों को जो है हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, लेकिन नॉर्मल वाटर से नहीं मिक्स करना है। ये सारी चीज़ों को जो है हमने रोज़ वाटर की मदद से मिक्स करना है। रोज़ वाटर जो है हमारी स्किन पे टॉनिक की तरह काम करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने के साथ साथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। एंड ये सारी ही चीज़ों को जो जितनी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है आपने रोज़ वाटर की ही लेनी है। एंड देन उसके बाद इसमें हम अपना फाइनल इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे, वो है कोकोनट ऑयल। गाइस, कोकोनट ऑयल के हमारी स्किन पे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइज रखता है, एंड सबसे जो अच्छी चीज़ है कोकोनट ऑयल जो है आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड अगर आपके पास कोकोनट ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो आपने 2 से 3 ड्रॉप आपने इसमें ऐड करने, एंड देन आपने ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद जो है गाइस हमारा बढ़िया सा जो है फेस पैक बनके रेडी है। एंड ऑल द गाइस, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसी जो है अच्छी तरीके से आप अपने फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, फुल बॉडी पे जो है अच्छी तरीके से स्क्रब कर सकते हैं। जितना भी डेड स्किन सेल है, टैनिंग है, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगी। एंड अच्छे रिजल्ट पाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल आपने वीक में 2 बार ज़रूर से करना है। गाइस, अगर आपके फेस पे, हाथों पे, पैरों पे जो है जिद्दी सी टैनिंग जमा हो गई हो, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो जितनी भी सारी टैनिंग है, सनबर्न से जो स्किन ख़राब हो गई है उसको भी जो है ये रिपेयर करेगा। कम्प्लीटली टैनिंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, फ्लॉलेस, रेडियंट एंड यूथफुल आपको मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड ये स्किन को जो है बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज, हाइड्रेट रखता है। तो गाइस, देखा ना आपने, ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करता है। चीज़ इस रेमेडी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। जो भी कोकोनट ऑयल का आप इस्तेमाल करते हैं आपने वो ले लेना है। मैं ये इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया है। अच्छा गाइस, एक से डेढ़ चम्मच के करीब जो है हम कोकोनट ऑयल को ले लेंगे। कोकोनट ऑयल के हमारे स्किन पे बहुत सारे फायदे हैं। ये आपकी स्किन की लाइटनिंग के लिए, स्किन की ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपको ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने के साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है, और आपको रेडियंट स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और कोकोनट ऑयल हर घर में बहुत ही ईजिली मिल जाता है, और कोकोनट ऑयल के हमारे स्किन पर बहुत सारे फायदे हैं। ये आपको फ्लॉलेस, ब्यूटीफुल स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें हनी को ऐड कर लूँगी, यानी शहद। शहद जो है 1 चम्मच के करीब हमने इसमें ऐड करना है। शहद के हमारे स्किन पे बहुत सारे फायदे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है गाइस, हनी जो है 1 चम्मच के करीब इसमें हमने ऐड कर लेना है। हनी के हमारे स्किन पे बहुत सारे फायदे होते हैं, यानी शहद। शहद में होता है एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है,
इट हेल्प्स टू डीपली पेनिट्रेट द स्किन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये आपको ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने के साथ साथ आपकी स्किन को जो है मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है। और हनी के हमारे स्किन पे बहुत सारे फायदे हैं, तो एक चम्मच के करीब जो है हनी को हमने इसमें ऐड कर, रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम पोर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये डीपली हमारी स्किन को क्लीन करता है। तो हमारे स्किन के, हनी के जो है हमारे स्किन पे बहुत सारे फायदे हैं, और ये आपकी स्किन को ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने के साथ साथ जो है बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुली आपकी स्किन जो है हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रहती है। तो ये दोनों ही चीज़ों को जो है हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा गाइज, उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लेमन को इसमें ऐड कर लूँगी। लेमन के हमारे स्किन पे बहुत सारे फायदे हैं। लेमन में होता है भरभर की विटामिन सी, और विटामिन सी जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, स्किन की लाइटनिंग के लिए, स्किन की ब्राइटनिंग के लिए। आपको ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने में जो है लेमन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। ये आपकी जो मैल है उसको तेज़ी से काटता है, लेमन में जो है तेज़ी से मैल काटने की सलाहियत होती है। तो यहाँ पे जो है हाफ से भी कम जो है लेमन को मैंने ले लिया है, एंड पूरा ही जो है हम इसमें स्क्वीज कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सारी चीज़ें जो मैंने बताई है ये घर में आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, तो कोई भी चीज़ को आपने जो है स्किप नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। गाइस, शुगर के हमारे स्किन पे बहुत सारे फायदे हैं। ये एक नेचुरल एक्सफोलिएट की तरह हमारी स्किन पे काम करता है, एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, टैनिंग को खत्म करता है, ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो है हाफ चम्मच से भी कम जो है मैंने शुगर को ले लिया है, एंड देन जो है हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद जो है 1 पिंच ऑफ के करीब मैंने टर्मरिक को ले लिया है। किचन वाली हल्दी आपने नहीं लेनी है, ऑर्गेनिक हल्दी लेनी है जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है किचन वाली कभी भी हल्दी जो है, किचन वाली हल्दी जो है कभी भी हमारे स्किन के लिए, फेस के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमेशा ऑर्गेनिक हल्दी का ही जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और ये टर्मरिक आपको जो है बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएगी, ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा जी, टर्मरिक के हमारी स्किन पे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग स्किन तो देता ही देता है, ये हीलिंग का बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे जो है 1 पिंच ऑफ के करीब जो है टर्मरिक को इसमें मैं ऐड कर दूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसको इस सारी ही चीज़ों को जो है हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, एक्सफोलिएट कर पाओ, ताकि जितना भी टैनिंग है, गंदगी है, बहुत ही इजीली जो है निकाल सके। फुल बॉडी के साथ साथ आप इसका इस्तेमाल फेस पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले अपने क्लीन फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, फुल बॉडी पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस तरीके से ले लेना है, एंड गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ 5 से 10 मिनट तक जो है अच्छी तरीके से आपने इसको रब करना है, मसाज करनी है, अच्छी तरीके से जो है इसको एक्सफोलिएट करना है, एंड देन 5 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जितनी भी टैनिंग है, सालों पुरानी टैनिंग हो, कालापन हो, इसे आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। और कोहनी हो, गर्दन हो, गर्दन पे जो है कालापन जमा हो जाता है, हाथों पे, पैरों पे जिद्दी सी टैनिंग जमा हो जाती है, तो उसको भी बहुत ही ईजिली जो है रिमूव करता है। एंड देन 5 मिनट के बाद जो है अपने हाथों को, पैरों को, फेस को आप वॉश कर सकते हैं। गाइस, पहली ही बार में आप बहुत अच्छा खासा फ़र्क देख पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हमने कोकोनट ऑयल एंड हनी को मिक्स किया है, तो हमको आफ्टर मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रहेगी और इतनी ज़्यादा ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस होगी कि आप जो है पहली ही बार में बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देख पाओगे। इसका इस्तेमाल जो है अच्छे रिजल्ट पाने के लिए वीक में आपने 2 बार ज़रूर से करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई ये घर से आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी। ये बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।